Hello dear students, welcome to chemistry classes by Vijay Kumar Sethi. In this video we are going to discuss about syllabus of class 11th chemistry session 2021-22. CBSE ne 2021-22 ke liye ek special scheme launch kari hai aur is scheme ke according is academic session ko two term mein divide kiya gaya aur har term ke andar aapka lagbhag 50% syllabus rahega. और इसकी डिटेल्ड नॉलेज आप इस वाले सर्कुलर से जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 5 जुलाई को यहाँ देख सकते हैं. और ये सर्कुलर आपको इस साइट पे मिल जाएगा cbseacademic.nec.in. जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे इस सर्कुलर के अलावा इसके अंदर आप अपना करिकुलम भी देख सकते हैं यानी कि सिलेबस भी. तो उसमें आप इस साइट पे जाने के बाद करिकुलम में जाइए. करिकुलम के अंदर भी टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 यहाँ पर आपको आपके 11th और 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा. नैसिब केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यदि केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पिछले साल तक जो टर्म एंड एग्जाम हमारे पास होता है वो 100 मार्क्स का होता है. इस 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं. लेकिन इस सेशन में कोविड की वजह से दो टर्म में इनको डिवाइड कर दिया गया और ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स और इसमें से 35 थ्योरी और 15 प्रैक्टिकल होगा. ओके, ये आपका फर्स्ट टर्म का थ्योरी सिलेबस है केमिस्ट्री का. ओके, फर्स्ट टर्म के लिए टोटल 7 यूनिट्स है. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों का मार्क्स है 11. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज 4 मार्क्स. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 6 मार्क्स. रेडॉक्स रिएक्शंस एंड हाइड्रोजन दोनों यूनिट को मार्क्स दिए गए हैं 5. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 9 मार्क्स. टोटल 35 थ्योरी टर्म 1. इसी तरह से टर्म 1 में प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको जनरली हम टाइट्रेशन भी कहते हैं 8 मार्क्स. कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स. क्लास रिकॉर्ड इन वाइवा 5 मार्क्स. तो टोटल प्रैक्टिकल आपके पास हो जाएगा 15 मार्क्स. इसी तरीके से सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसके अंदर 6 यूनिट्स रखे गए हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इन तीनों यूनिट्स के मार्क्स आपके पास 15. एस ब्लॉक एलिमेंट एंड सम बी ब्लॉक एलिमेंट्स 11 मार्क्स. हाइड्रोकार्बन्स 9 मार्क्स. टोटल 35. यदि प्रैक्टिकल की बात करते हैं आप तो सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा 5 मार्क्स. ओके, और ये आपके पास है डिट सिलेबस की डिटेल है जो बोल्ड लेटर्स के अंदर है. ये यूनिट का नाम है और उसके आगे उस यूनिट में जो सब टॉपिक्स हमारे पास आएंगे उसको मेंशन किया गया है. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ sp(d) ऑर्बिटल्स, ठीक है. और इन ऑर्बिटल्स को पढ़ने के लिए कुछ रूल्स है, ओबो प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज 10th क्लास में आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है. 11th के अंदर हम इसमें और भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल के बारे में आपने पढ़ा है 10th और 9th के अंदर, ठीक है. यहाँ पर हम इस केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और भी कई सारी थ्योरीज है, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में और भी कई सारे कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, VACPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. रेडॉक्स रिएक्शन, फिर 10th क्लास में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो आपने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी है. यहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे. हाइड्रोजन के बारे में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स, हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हेवी वाटर, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोलाइटिक एंड हेटरोलाइटिक फिशन, ये सब चीज, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये कुछ टेक्निक्स है, ये आपके पास कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि 2 मार्क्स का है, और ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन है जो कि 8 मार्क्स का है। ये आपके पास डिटेल है सेकेंड टर्म का सिलेबस का, ये वही बोल्ड लेटर के अंदर यूनिट का नाम है, उसके बाद उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, गैस लो के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर आपके पास कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, कुछ डेफिनेशंस आएगी हमारे पास, एसएस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके, देन एंट्रोपी क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर पहले फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ली चेलर प्रिंसिपल, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जब पीएच के बारे में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यह हम डिटेल में पढ़ेंगे। और भी एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास कई सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 13 एलिमेंट्स और 14 एलिमेंट्स को, यानी ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप 14 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसको आप एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका नोमेनक्लेचर, इनमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि एक इनऑर्गेनिक सोल्ट आपको दिया जाएगा, उसमें कौन सा कैटाइन और कौन सा एनायन प्रेजेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में भी आप देखें तो एक ये हमारे पास आएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और एक आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी इसमें बनाना होगा, ओके। और ये सब पार्ट और ये सब कंटेंट के पढ़ने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की 2 पार्ट है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक्स है, केमिस्ट्री पार्ट 1, इसके अंदर ये 7 यूनिट्स है, इन 7 यूनिट में से जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है ये टर्म 1 में है, ठीक है, और ये 3 यूनिट्स टर्म 2 के अंदर आएगी। इसी तरह से आपके पास ये केमिस्ट्री पार्ट 2, इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स है, ओके, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो बाकी 6 बच गए उसके अंदर ये 2, ये फर्स्ट टर्म के अंदर है, और ये यूनिट 13 ये भी फर्स्ट टर्म में है, और फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये सेकंड टर्म के अंदर है, और ये हाइड्रोकार्बन भी आपके पास सेकंड टर्म के अंदर है, ठीक है। तो इन टेक्स्ट बुक को आपको परचेज कर लेना है, और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास बहुत बढ़िया है, सब चीजें आप उसके अंदर इसके अंदर मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर किसी भी यूनिट के अंदर काफी सारा कंटेंट है, इसमें से हो सकता है कि कुछ पार्ट आपने सिलेबस में शामिल नहीं किया गया हो, ठीक है, लेकिन हमें सभी पढ़ना है, क्योंकि जो पार्ट डिलीट कर दिया गया है वो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं 11th और 12th में काम आ सकता है। यदि 11th और 12th में वायदे में काम नहीं भी आता है तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जी मेन्स, एडवांस, नीट, तो उसके सिलेबस में किसी तरह का डिलीशन नहीं किया गया तो वहां पर काम आएगा, ओके, तो ध्यान रखिए। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो उन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा जो कि आपको एग्जाम के अंदर इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक। और लास्ट में मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस, आई विल वर्क हार्ड फॉर यू, आई विल पुश यू टू लर्न, आई विल रिक्वायर योर बेस्ट एंड आई विल गिव यू माय बेस्ट, ओके, थैंक यू।